ग्लोबली हमने देखा जिस तरह से मेटल्स में थोड़ा प्रेशर देखने को मिला ओवरनाइट, ये बताइए चार्ट्स पर वेदांता आपको कैसा लगता है, टाटा स्टील कैसा लगता है? किरण, कल हमने देखा था इस पूरे स्पेस में सेल टाटा स्टील ने काफ़ी आउट परफॉर्मेंस दिखाया था, लेकिन आज जिस तरह से कमजोरी है ग्लोबली मेटल्स में, क्या ये स्टॉक्स दबाव में रह सकते हैं, कैसे अप्रोच करेंगे इसे? थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकता है वेदांता की बात करें तो, क्योंकि हमने करीबन 70 रुपए से 92 रुपीज तक की रैली हमने देखी है, उसका थोड़ा सा करेक्शन रिट्रेसमेंट बिल्कुल आ सकता है और मेरे ख्याल से बेस्ट के सिनेरियो में वो 80 तक नीचे आ सकता है, इसके नीचे आने की संभावना नहीं है, उधर से वापिस बाउंस बैक मिल जाएगा। हालांकि ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के करीब है, पर मैं अगर ये स्टॉक 90 के ऊपर चलता है तो मैं वापस एक बार खरीदी करने की सलाह दूंगा, फ्रेश बाय रिकमेंड करूंगा और इसकी रैली करीबन 115 तक जाने की उम्मीद है, क्योंकि एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न जिसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहते हैं उसका ब्रेकआउट मिलता नजर आएगा अगर 90 के ऊपर जाता है तो। टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील में अच्छा रुझान दिखाई दे रहा है और मेरा मानना है कि ये कंटिन्यू होता रहेगा और इसके अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशंस है तो 294 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लॉन्ग ही रखने चाहिए, जब तक 294 के ऊपर है तब तक ये और ऊपर जाने की उम्मीद मैं इस स्टॉक में करता हूँ।